जी सश्रीकाल किम छो अस्सलाम वालेकुम एंड राम राम हैप्पी दिवाली टू एवरीवन इन एडवांस। और मेरी दिवाली की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है एंड मैं आपको कुछ दिखाना चाह रही हूँ। मेरे हस्बैंड डेकोरेशन संभाल रहे हैं तो उनके लिए मेरी ड्यूटी लगी है समोसे तलने की, तो मैं समोसे प्रिपरेशन में बिजी हूँ एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे हस्बैंड कहाँ बिजी हैं। हाय उत्तम, हाय राका। राका तुम कहाँ छुप गए हो? हाय पूजा, मैंने तुझे पीछे से तुझे चल के कुछ कर सोने पे सुहागा कितना क्यूट लग रहा है। वाह, सोने पे सुहागा। यहाँ का मौसम क्लाउडी हो रखा है एंड बारिश हो रही है। देखो बारिश हो रही है। राका मैं समोसे बना रही हूँ, टेप मार दे यार तीन फटाफट प्लीज। हैं एक में रुको, राका का ऑर्डर ये है, ये देखिए क्या कर रही है। Hey guys, good morning everyone. आप जैसा कि देख सकते हो मेरी आंखें से, मेरी आंखों को आप देख सकते हो कि क्या सिचुएशन है और इससे क्या पता चल रहा है। मैं अभी जस्ट उठी हूँ और यस, मैं कुछ कहना चाह रही थी कि जैसा मुझे लाइक इट वॉज रियली कंफ्यूजिंग, सम पीपल वर सेइंग दैट धनतेरस इज टुडे लाइक हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट इन कैनेडा ऑस्ट्रेलिया। कुछ लोगों ने बोला था कि धनतेरस आज है, कुछ लोगों ने बोला धनतेरस कल था, तो मैं बहुत ही कंफ्यूज थी। और कल मैंने जबकि ऐसा कुछ कल मैंने मनाया ही नहीं, आप ऐसा कंफ्यूजिंग के कारण भी कह सकते हो। और तो अभी मैंने स्टार्ट किया है और क्लीनिंग का क्या है, क्लीनिंग तो ये नया घर है तो हम नए घर में ही सेटल हुए थे तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अपने जगह पे सही तरीके से हैं। बट हाँ, जो चीज़ मैं फिक्स कर सकती हूँ वो मैं फिक्स करने जा रही हूँ और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँ। ये मेरी दिवाली की सेलिब्रेशन की स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग तो मेरी कल भी हुई थी जो कि हम बाहर का डेकोरेशन कर रहे थे, मैंने आपको दिखाया भी है और यह तो आप देखोगे। Let's go, come, see. तो आप मेरे बेड का हाल देख सकते हो क्या है। अब इस बेडशीट को मुझे चेंज करना है क्योंकि इससे ये वॉश के लिए जाएगा और ये आपको क्विल्ट कवर है जो कि क्विल्ट में था, ये क्विल्ट कवर है तो इसको भी वॉश करना है। और मैं तो अभी के लिए तो बस जो अभी वॉशिंग चल रहा है उसके बाद मैं जब क्लीनिंग करूँगी तो मैं आपको क्लीनिंग के लिए कुछ क्लिप्स डालूँगी, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून। वो रूम है ना, तो रूम में लाइट मैंने ऑफ रखा है क्योंकि यहाँ पे अभी 6:30 हो रहा है और मैंने होपफुली आज जब मेरी जॉब नहीं होती ना तो मैं 9 बजे तक सोती हूँ, 10 बजे तक सोती हूँ। लेकिन आज मैंने आपको खुद को समझाया कि रिचा यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, तो मैं खुद उठी, अभी मैं सफाई करूँगी, उसके बाद मैं कुछ भोग लगाने के लिए कुछ मिठाइयाँ बनाऊँगी जो कि आपको ज़रूर दिखाऊँगी ऑब्वियसली। तो ओके गाइस, सो तब तक के लिए स्टे ट्यून। सॉरी दिस लुक, लेकिन मैं क्या करूँ।
आप समझ सकते हो. हे गाइस, सो आई एम बैक. मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ दिवाली के लिए, और वो क्या है मैं आपको जरूर शेयर करूँगी आपसे, क्योंकि मैंने कल कहा था कि मैं कुछ बनाऊंगी कल, और वो क्या है, एक कांच बर्फी है. तो मैं आपको अपने फ्रंट बैक कैमरे से ऑन करके, आप ये बता सकते हो कि ये काजू का पाउडर है. सी कितना मीन है. सी तो यस गाइस, आफ्टर लाइक मुझे थोड़ी सी मेहनत लगी उसको ज़्यादा ही, क्योंकि क्या होता है ना, पूरा तो नहीं हो पाता, सारा ग्राइंडर नहीं हो पाता, तो उसको बिल्कुल फाइन ग्राइंड करने के लिए कितना टाइम लगा मुझे. लाइक कितना ज़्यादा, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं लगा, बट हाँ लगा, मैं बोल सकती हूँ इतना तो. लाइक ऐसा नहीं है कि कहते हैं ना कि अब हद से ज़्यादा तो नहीं हो गया था, बट जितना भी टाइम लगा मेरे उम्मीद से ज़्यादा लगा था. तो यस, अभी मैं इस पानी में, मैंने जो शुगर डाला हुआ है, अभी ये मैं सिरप बना रही हूँ, और इस सिरप में इट्स टाइम टू पुट दिस काजू पाउडर. सी सॉरी, मैंने कैमरा, ओह माय गॉड, सी लुक एट दिस रिएक्शन. रिएक्शन तो खैर अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन वो आई थिंक पानी सरप्राइज है, चासनी सरप्राइज है कि तुम मेरे पास कैसे आ गए. और यस, मैं पहली बार अपने लाइफ में, लाइक मुझे काजू कतली ऐसा नहीं बोलूँगी कि नहीं पसंद है, बट मेरे फेवरेट लिस्ट में उसका नाम नहीं है. मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है, तो ये जो काजू कतली है ये खासकर मैं उन्हीं के लिए बना रही हूँ. और यस गाइस, सो आज दिन भर मेरा ऐसे ही निकल गया. पहले मैंने पकौड़े बनाए, फिर उसके बाद फिर लंच बनाया, फिर लंच बनाने से पहले आप सबको मैंने दिखाया था कि मैंने कितनी सफाई करी है. लाइक मैंने सफाई करते हुए नहीं दिखाया था, मैं जब सभी कपड़े वॉश कर रही थी तब, वॉश भी कर रही थी तब नहीं दिखाया था, बस मैंने आपको बताया था कि मैं वॉश करने जा रही हूँ. तो आज का दिन कुछ इसी तरीके का रहा, और फिर मैं आपको कुछ नया करूँगी तो दिखाऊँगी. तब तक के लिए स्टे ट्यून. आज तो कुछ इस तरीके का ही दिन है आज, लाइक दुख की बात नहीं है, बट मेरे बिजी स्केड्यूल से अगर आप देखो तो यस, दुख थोड़ी सी, मतलब लाइक मेरे पास मेहंदी भी है, और मैंने सोचा था कि मैं मेहंदी भी लगाऊंगी, लेकिन लुक्स लाइक मेरे पास मेहंदी लगाने के लिए टाइम नहीं बचेगा. लेकिन फिर भी अब मेरा मेहंदी को लेके जो कमिटमेंट है वो देखती हूँ कि मैं कितना उसको फुलफ़िल कर पाती हूँ. और ओके गाइस, तो मैं दूसरे तो नहीं बोलूँगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून, फिर मैं कुछ आपको दिखाती हूँ. और ये मैं मेहंदी लगाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे मेहंदी लगाने नहीं आती है, बट सी क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि बाहर जाने में टाइम वेस्ट होगा, और मैंने सोचा कि अभी धूप भी अच्छी खिली है, और शायद यही बेस्ट टाइम रहेगा. तो यस गाइस, अब पार्लर जाने का टाइम नहीं था, और कल तो वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है, बिकॉज मैं थोड़ी बिजी हूँ. कल मेरी जॉब है, तो जॉब होने के कारण मैं कहीं पार्लर नहीं जा सकती हूँ. और मैंने कुछ काम भी खास नहीं किया था, मैंने सिर्फ काजू कतली बनाया था, और मेरा और भी कुछ प्लान था करने का, बट मैं उसको कर नहीं पाई. तो जैसा मैंने आप सबसे बोला था कि मैं कुछ भी अगर कुछ नया करती हूँ तो मैं आप सबसे शेयर करूँगी. तो यस गाइस, अभी तक के लिए तो आप देखें, मैंने अभी तक इसको भी पूरा नहीं किया है, तो जब मैं इसको पूरा कर लूँगी तो मैं आपसे जरूर शेयर करूँगी.
ठीक है। तो मैंने फाइनली कर ही लिया, नॉट बैड। जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं हो तो आप ये कर ही सकते हो, है ना? आई लव मेहंदी, सीरियसली। प्यार में प्यार तुम कितना करते हो।